हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा टू डिजिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। वो नंबर्स जो 10 के करीब होते हैं वो हम किस तरीके से फास्ट वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, 12 मल्टीप्लाइड बाई 30। इसका आंसर निकालना है हमने, तो हम किस तरीके से इसको फास्ट वे में निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये दोनों नंबर जो हैं वो 10 के करीब हैं, यानी कि इनका बेस जो है वो 10 है। तो हमें क्या करना है, 10 के करीब कितना, अब 10 से ऊपर कितने नंबर हैं, ये 2 यानी 2 और यहाँ पे 3। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रिक क्या है, सिंपल सा ट्रिक है कि हमें किसी भी एक नंबर में, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को, इन दोनों में से किसी भी नंबर को ऐड कर देना है। यानी मान लीजिए 12 में हम 13 ऐड करते हैं तो हमारा आता है 15, अगर हम 13 में 2 ऐड करते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा 15। तो हम दोनों में से किसी को भी आपस में ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ हमने 12 और 3 को ऐड किया तो हमारा आंसर आता है 15। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अब हमारा पहला जो सॉल्यूशन है वो निकल गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि हमारा 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो, और एक चीज़ और है इसके अंदर कि हमें ये जो है 15 इसको 100 मान के चलना है, यानी कि जो 10 डेसिमल है वो लगा के चलना है, इसमें एज्यूम करके चलना होता है। तो हमें अब क्या करना है, ये जो 2 और 3 हमारा नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 156 ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक अजम्पशन ये है, एक अजम्पशन ये है कि इसको हमेशा हमने 10 डेसिमल पे लिखना है, यानी कि इसमें ज़ीरो लगा के रखना है नंबर के आगे। जब भी हम इसको ऐड करेंगे उसके आगे हमने ज़ीरो लगाना है, और उसके आगे हमने ये जब मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर उसमें हमने ऐड कर देना है। मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए मुझे 14 मल्टीप्लाइड बाई 16 करना है, तो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। सबसे पहले इसमें मेरा 4 एक्स्ट्रा है, यानी 10 से अबव 4 है और इसमें 6 है, यानी कि सपोज़ मैं 14 में 6 ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 20। और जैसे मैंने बताया, 0 मैं इसमें ऐड करूँगा, और अब 4 × 6 यानी कि 24, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 2 2 4, ये आंसर आना चाहिए हमारा। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैं इनटू करता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 17। अब इसमें हमारा एक्स्ट्रा क्या है, 10 से अबव क्या है हमारे पास, 2 और इसमें 7, यानी कि हम अगर मान लीजिए 17 को 12 में ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 19, और 0 हम खुद ऐड करेंगे। ठीक है, अब 7 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है हमारा 14, यानी कि इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास 402, यानी कि 204। देखा आपने किस तरीके से फास्ट में मैंने ये बिल्कुल सॉल्व कर दिया, दो टू डिजिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। बट शर्त क्या है हमारी, एक तो ये है कि ये इनका जो बेस है वो 10 होना चाहिए, यानी कि 10 के करीब होने चाहिए, और दूसरा हमने यहाँ पे 0 ऐड करना है अगले नंबर के आगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब ये जो एग्जांपल है वो थोड़ा अलग है। देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 16। अभी तक जो हम नंबर ले रहे थे वो 10 से ऊपर था, बट अभी जो हमने नंबर लिया है यानी कि 7, वो 10 से नीचे है। तो अब हमारे 10 से कितना नीचे है ये नंबर हमारा, -3, यानी कि -3 नीचे है, यानी कि 3 पॉइंट नीचे है, और ये हमारे पास 6 अबव है, यानी कि +6। अब हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए इसका, जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा जब हम इसको 6 को 7 में ऐड करेंगे या फिर 3 को 16 में से माइनस करेंगे, तो दोनों का आंसर हमारे पास 13 आता है। 0 हम ऐड करेंगे और 6 × 3 = 18, यानी कि 18 इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू है।
तो हमारा आंसर क्या आता है इसमें, आंसर आता हमारा 112। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसी तरीके का, एक और एग्जांपल जो कि माइनस की वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए 6 × 17। अब इसमें हमारा 10 से कितने नंबर नीचे है, यानी कि -4, और 10 से कितने नंबर ऊपर है, 7। ठीक है, अब हमें हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, या तो हम 7 को 6 में ऐड कर दें या फिर 17 में से -4 कर दें। दोनों केस में हमारा जो आंसर आता है वो 13 है। ठीक है, 0 हम ऐड करते हैं और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 × 4 = 28, और साइन हमारा माइनस का लगेगा, तो हमारा आंसर क्या आता है, आंसर आता है हमारा 102। तो देखा आपने किस तरीके से हम फास्ट वे में जो हमारे जो डिजिट टू डिजिट नंबर्स हैं, यानी कि जिनका बेस हमारे पास 10 है, उनका रिजल्ट हम फटाफट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं और छोटे छोटे से ट्रिक्स आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हैं।